भौतिकी में आज का हमारा विषय है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया और यह हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोगी है या नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ने से पहले या इसका अध्ययन करने से पहले हम अपनी सौर परिवार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चूँकि सौर परिवार में सूर्य, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो ऐसा आकाशीय पिंड जो स्वयं ऊर्जा का स्रोत होता है या स्वयं जो क्या होती है प्रकाशित होती, उसको हम कहते हैं तारे। तो हमारे सौर मंडल में ऐसे असंख्य या अनेक तारे विद्यमान हैं जो पृथ्वी से काफी दूर होती है। इसमें से एक तारा लेते हैं सूर्य। चूंकि सूर्य पृथ्वी के काफी नजदीक है और नज़दीक होने के कारण इसकी जो दूरी होती है वो होती लगभग 1.5 × 10^11 मीटर, अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है लगभग 6.38 × 10^6 मीटर या इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 से 20 सेकंड के आसपास समय लेती है। ग्रह, ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है, उसको हम कहते हैं ग्रह। तो हमारे पास ग्रहों की संख्या 9 है। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में यदि हम इसका नाम गिनाना चाहें तो सबसे पहले आती है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। तो इस तरीके से ग्रहों की संख्या 9 है। चूंकि वर्तमान में जो यम या जिसको हम प्लूटो के नाम से जानते हैं उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दी गई है, इसलिए वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, ग्रह के बाद हम देखते हैं उपग्रह। उपग्रह कृत्रिम या प्राकृतिक दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक उपग्रह के अंतर्गत हम देखें तो पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा, जिसको हम प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जानते हैं। और चंद्रमा जो होती है पृथ्वी के कक्ष में 27.3 दिन में एक परिक्रमा पूरा करता है। तो चंद्रमा के समान ही बाकी जो अन्य जो ग्रह होते हैं उसके भी उपग्रह पाए जाते हैं। इसमें बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं, चाहे वह मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, सभी के अपने अपने उपग्रह पाए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित होती है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। और इस तरीके से हमारे भारत के द्वारा जो प्रक्षेपित जो उपग्रह हैं जैसे भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, रोहिणी, रोहिणी फर्स्ट सेकेंड, इनसेट 1C, 1B, 1A, इस तरीके से बहुत सारे जो उपग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। तो इस तरीके से सूर्य इसका केंद्र होती है और बाकी जितने भी जो पिंड होती है या जितने भी जो ग्रह है वो सभी इनके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो इस तरीके से सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह ये सारे मिल करके एक सौर परिवार या सौर मंडल का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में और छोटे बड़े बहुत सारे पिंड होती है, जैसे हम कह सकते हैं उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारे। तो ये सारे मिलकर के सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सौर परिवार के बाद आगे हम देखते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का अध्ययन कर 3 नियम दिया।
इन तीन नियमों के विश्लेषण करने के बाद या इसका जो भी निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष के बाद न्यूटन ने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है या केपलर की ग्रह की गति संबंधी नियम है, वह नियम केवल सूर्य और उसके ग्रह के लिए ही लागू नहीं होते और वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में जितने भी जो द्रव्यमान वाले जो कण पाए जाते हैं उनके लिए भी ये नियम लागू होती है। तो इस आधार पर 1665 ईस्वी में न्यूटन ने बल का एक नियम दिया जिसको हम कहते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के आधार पर उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अनुसार किसी भी दो पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लीजिए हमारे पास दो पिंड है, एक पिंड ए और दूसरी पिंड बी, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, इनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार जो आकर्षण बल लगेगी वो पिंड ए पर भी लगेगी और जो आकर्षण बल लग रही है वो पिंड बी पर भी लग रही है। तो हमने क्या परिभाषा दिया कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। किसी भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान यदि हम आकर्षण बल को एफ से प्रदर्शित करें तो एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2, ये पहला समीकरण। दो पिंडों जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात f प्रोपोर्शनल 1/d का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 क्लियर हो गया। यदि हम इन दोनों नियमों को एक साथ मिला दें तो इसको हम लिख सकते हैं a प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान d का स्क्वायर। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, यदि हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो आकर्षण बल इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर इस चिन्ह को हटाने के बाद यहाँ पर एक स्थिरांक लिखा जाता है, तो इस समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं f इक्वल टू g m1 m2 अपान d का स्क्वायर, जहाँ जी एक नीतांक है जिसको हम कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। जी एक नीतांक है जो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक के नाम से जानी जाती है। इस समीकरण में यदि हम m1 m2 और d के मान को इकाई माने, यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 और d बराबर 1 हो, तो ये जो समीकरण 3 है ये समीकरण 3 क्या हो जाएगी, f इक्वल टू g। समीकरण 3 से f इक्वल टू g, अर्थात इसके यदि इसको हम परिभाषित करना चाहें तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक का जो मान होगी उस आकर्षण बल के मान के बराबर होगा यदि दोनों द्रव्यमान का मान यदि इकाई हो और एक दूसरे से एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो। तो ये इकाई द्रव्यमान जो है इस पर इकाई द्रव्यमान के बल को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G। तो ये जो फार्मूला निकला हुआ है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, इसको हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के नाम से जानते हैं, जो कि अदिश रूप में ये फार्मूला है। सदिश रूप में यदि हम इसको व्यक्त करना चाहें तो दोनों का परिमाण आपस में बराबर होती, अर्थात पहला वाला पिंड दूसरे पिंड पर जितने आकर्षण बल आरोपित करेगा दूसरा वाला पिंड भी पहले पिंड पर उतने ही आकर्षण बल क्या करेगी, आरोपित करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ए बी का जो परिमाण होगा वो होगा एफ बी ए के परिमाण के बराबर, अर्थात दोनों पिंड एक दूसरे को समान परिमाण के बल से क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो इस तरीका से इस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, सदिश रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के गुण।
गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अध्ययन करने के बाद देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का क्या गुण हो सकती है या उसकी क्या विशेषता हो सकती है। तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर या क्षीण बल माना जाता है। जी का जो मान होती है, जिसको हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ये सभी स्थान पर, सभी जगहों पर एक बराबर होती है। किसी भी स्थान पर यदि हम चले जाएं, तो न्यूटन के जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है या नियतांक है, उसका मान परिवर्तित नहीं होता। प्रकृति में जी का जो मान है, पिंडों की प्रकृति या उसके आकार के ऊपर निर्भर नहीं करती है और न ही माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पिंड लिया, ये दूसरा पिंड लिया, ए और ये बी, इनके बीच में क्या माध्यम है, यहाँ पर माध्यम कुछ भी हो सकती है, माध्यम के ऊपर भी जी का मान जो है निर्भर नहीं करती है। क्लियर हो गया। गुरुत्वाकर्षण जो बल होती है, आकर्षण बल की जो दिशा होगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे ए और बी, इनके द्रव्यमान केंद्र M1 है और इनके द्रव्यमान केंद्र क्या है, M2 है। तो इन दोनों के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती, अर्थात जो आकर्षण बल की जो दिशा होगी, चूंकि बल सदिश राशि होती है, उसमें दिशा व्यक्त करना होता है, तो आकर्षण बल की जो दिशा होगी दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है। सामान्यतः पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होती है, सामान्य पिंड के लिए बहुत ही कम होती है। जैसे मान लिया जाए, फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम इतनी छोटे पिंड के लिए ले, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस पर लागू नहीं होगी। लेकिन यदि हम ब्रह्मांड की बात करते हैं या ब्रह्मांड में स्थित जितने भी और आकाशीय पिंड है इसकी बात करते हैं, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण होगा या बल का मान होगा वो उल्लेखनीय होगा। तो इस तरीके से हम गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा जानने के बाद में उसकी क्या क्या गुण होती है इसको देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम निकाले उसमें जी का मान कितना होता है या इसकी जो वैल्यू होगी, है ना, इसका क्या मात्रक होगा, इसके बारे में देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, चूंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से हम जानते हैं F=g m1 m2/d का स्क्वायर होती है। इसमें यदि हम g का मान निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं g=fd²/m1 m2। क्लियर हो गया। g का मान fd²/m1 m2 के बराबर होगी। इसका यदि हम मात्रक लिखना चाहें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है, चूंकि बल है ये दूरी है और m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान है, तो SI पद्धति में यदि हम इसका मात्रक देखें, SI सिस्टम में, तो बल का मात्रक क्या होती है, न्यूटन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन, और डी चूंकि दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगी, मीटर होगी। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। नीचे यहाँ पर m1 m2 द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात द्रव्यमान के लिए क्या होगा SI मात्रक, किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर लिख सकते हैं। जी का मान चूंकि देख रहे हैं कि सभी जगहों पर एक बराबर होता है, अर्थात इसकी मान निकालना चाहें तो जी का मान होता है 6.67 × 10^11 6.67 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो मान है वो सभी जगहों पर, चाहे हम पृथ्वी में कहीं पर भी चले जाएं, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आती है। 6.67 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। यदि हम इसका विमी सूत्र को भी यदि व्यक्त करना चाहें तो विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बल का विमी सूत्र क्या होता है,
एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर मीटर है तो मीटर के लिए क्या हो जाएगी, एल का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को चूंकि हम एम से प्रदर्शित करते हैं इसलिए क्या हो जाएगी, ये एम का स्क्वायर। ये वाले एम से ये वाले एम कैंसिल, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एम का घात ऋण एक, और यहाँ पर एल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एल और एल स्क्वायर, ये दोनों हो जाएगी एल का घात थ्री, और ये हो जाएगी कितना, टी माइनस टू। ए माइनस वन एल का घात थ्री टी माइनस टू, ये इसका क्या हो जाएगी, विमी सूत्र हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, नितांक का मान, उसका विमी सूत्र, ये सारे चीज को व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, क्योंकि न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, तो यदि दो पिंड में से यदि एक पिंड पृथ्वी है तो उसको हम क्या कहेंगे, पृथ्वी किसी भी पिंड को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, इसी गुरुत्व के कारण यदि हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उछालें तो एक निश्चित ऊंचाई में जाने के बाद वह वस्तु वापस पृथ्वी पर जा गिरती है या आती है, वापस आती है। तो ये सब किसके कारण होती है, गुरुत्व के कारण होती है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि पेड़ से जो फल जो टूट करके वो भी क्या होती है, पृथ्वी की ओर नीचे गिरती है। तो ये सारी घटनाएं गुरुत्व के कारण होती है, और इसी को न्यूटन ने खोज किया था, और इस बल या यहाँ पर जो बल जो निकलेगी इसको हम कहते हैं गुरुत्व का बल, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के द्वारा खोजा गया है, इस कारण इसको हम कहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि यदि हम रेखीय गति में देखें तो यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति कर रही है तो जैसे जैसे वस्तु आगे की ओर बढ़ते जाती है इसके वेग भी क्रमशः क्या होते जाती है, बदलते रहती है, कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, फिर कभी कम हुआ फिर कभी ज्यादा हुआ। तो रेखीय गति में हम त्वरण को क्या कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। चूंकि हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं वेग के मान क्रमशः परिवर्तित हो रही है, तो रेखीय गति में क्या हो रही है यहाँ पर, कि वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक इसी तरीके से गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा हम यहाँ पर दे सकते हैं। यदि किसी वस्तु को हम एक ऊंचाई से फेंकें, या दूसरे तरीके से इसको हम समझा सकते हैं कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका मान, उसका जो वेग है धीरे 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 क्या होगी, कम होते जाएगी, और एक निश्चित ऊंचाई में जाने के बाद उसका वेग जो है कम हो जाता है या शून्य हो जाती है। फिर वहां से वह वस्तु गुरुत्व के अधीन अर्थात पृथ्वी की ओर एक निश्चित वेग से, फिर उसकी वेग जो है पृथ्वी की ओर जैसे जैसे आएगी उसका वेग क्रमशः बढ़ते जाएगा, और पृथ्वी में आने के बाद उसका वेग जो है पुनः क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उस किसी वस्तु के वेग में क्रमशः परिवर्तन हो रहे हैं, तो वहां पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसको हम कहते हैं एक समान त्वरण, अर्थात जो त्वरण उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। गुरुत्व के कारण, इसकी परिभाषा यदि हम दें तो गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं, या दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी पृथ्वी के सापेक्ष किसी वस्तु को यदि हम ऊपर की ओर फेंके तो उसके वेग में जो परिवर्तन होगी या वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा दे सकते हैं। क्लियर हो गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान चूंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, इसका मान निश्चित नहीं होता है, और ये भी हम देख सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होती है वह वस्तु के जो आकार है उसके द्रव्यमान है इसके ऊपर निर्भर नहीं करती। क्लियर हो गया। गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नितांक दोनों को समझने के बाद में, दोनों की परिभाषा देखने के बाद में हम दोनों में क्या संबंध है ये भी स्थापित कर सकते हैं।
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नितांक जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध। यहाँ पर इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर जो बताया गया था स्मॉल जी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम है, चूंकि त्वरण का मात्रा का यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो मान होती है 9.8, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। पृथ्वी से यदि हम ऊपर की ओर जाएं, या पृथ्वी से नीचे की ओर जाएं, या पृथ्वी के ध्रुव पर जाएं, या पृथ्वी के केंद्र पर जाएं, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो बदलते रहती है। क्लियर हो गया? तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी दोनों में क्या संबंध है, ये संबंध यहाँ पर स्थापित करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पूर्णतः गोल न होकर के ध्रुवों पर कुछ चपटी दिखाई देती है, ठीक है। तो यदि हम पृथ्वी की आकृति को एक गोला माने, जिसका केंद्र क्या होगा, उसके केंद्र पर होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, और इसका द्रव्यमान क्या होगा, एम होगा। क्लियर हो गया? यदि यह पृथ्वी किसी स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पर यदि आकर्षण बल लगाती है, क्लियर हो रही है, यदि इस पृथ्वी जो है स्मॉल एम द्रव्यमान अपनी सतह पर एक स्मॉल द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा से हम जानते हैं F इक्वल टू क्या हो जाएगी, जी एम स्मॉल एम अपान आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति पूर्णतः गोल नहीं है, ध्रुवों पर कुछ चपटी है, यदि हम उसको ये मान के चलें कि पृथ्वी पूर्णतः गोल है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यदि इसकी सतह पर या पृथ्वी की सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है, तो यह पृथ्वी उस स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये लागू होती है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा से हम जानते हैं एफ इक्वल टू जी एम एम अपान आर का स्क्वायर होगी। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है इसको, इसका एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपान डी का स्क्वायर, जहां पर डी क्या है, दूरी है, अर्थात यहां पर दूरी के लिए क्या लिया गया है, पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी आर हुई और ये वस्तु यहां पर रखा गया जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम। तो इस नियम के अनुसार यहां पर ये सूत्र हो जाएगा एफ इक्वल टू जी एम वन के जगह में कैपिटल एम और एम टू के जगह में क्या रखा गया यहां पर, स्मॉल एम, और डी स्क्वायर के जगह में क्या रखा गया है, आर का स्क्वायर। क्लियर हो गया? एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। क्लियर हो गया? चूंकि न्यूटन के गति के दूसरा नियम से, चूंकि न्यूटन के गति के दूसरा नियम से या दूसरा नियमानुसार हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम जी होती है, F इक्वल टू एम जी होती, इसको हम समीकरण दो कह सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर हो गया? तो F इक्वल टू एम जी हम लिख सकते हैं। समीकरण एक और दो दोनों की यदि हम तुलना करें या दोनों की कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि F इक्वल टू जी एम एम अपान आर का स्क्वायर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि F इक्वल टू एम जी है। तो दोनों समीकरण में जो बायां भाग है या लेफ्ट तरफ, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एम जी समीकरण एक और समीकरण दो से, एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर का स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहाँ पर दोनों आपस में बराबर, इसलिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगी, तो मान कितना निकला, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर का स्क्वायर। और ये जो सूत्र यहाँ पर निकल रही है वही सूत्र क्या कहलाती है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी दोनों में संबंध स्थापित होती है।
ठीक है। और इसका मात्रा क्या रहेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर हो गया। तो इसको हम कहते हैं, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर इस फार्मूले से एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि चूंकि इस फार्मूले में जो वस्तु यहाँ पर रखा गया था जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है, वो इस सूत्र में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु का द्रव्यमान कितना हो, कितना बड़ा हो, वस्तु कितना छोटा हो, ये गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर नहीं करती है। समझ में आ गया। इसको हम उदाहरण के तौर पर कैसे समझें कि मान ले जाए हमारे पास एक 50 किलोग्राम का एक वस्तु है और एक वस्तु जो है मान ले जाए 10 ग्राम का है या 1 किलोग्राम का है। 50 और 1 किलोग्राम दोनों में अंतर है, एक भारी वस्तु और दूसरा क्या है, हल्की वस्तु है। दोनों को यदि हम समान ऊंचाई से गिराए तो कौन सा वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक बराबर समय में पृथ्वी पर वापस गिरेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु कितनी छोटी हो कितनी भारी हो। ये कब निर्मित होती है, जब वहाँ पर माध्यम हवा नहीं होना चाहिए, मतलब निर्वात की स्थिति होना चाहिए। समझ में आ गई। यदि मान लिया जाए वायु उपस्थित है, अब यदि दोनों पिंड को एक साथ उसी ऊंचाई से गिराएं तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जो भारी वस्तु वह पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, हल्की वस्तु वह पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगी। इसके पीछे रीजन क्या है या कारण क्या है, क्योंकि हल्की वस्तु है उस पर जो वायु है तो वायु क्या लगता है, एक उत्प्लावन बल काम करती है जो उस वस्तु के वेग में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी। तो वहां पर दोनों वस्तुओं का जो वेग है, वेग में जो परिवर्तन है जिसमें त्वरण उत्पन्न हो रही, गुरुत्वीय त्वरण, वो दोनों वस्तुओं का क्या हो रहा है, अलग अलग हो रही है। ठीक है। तो इस कारण दोनों वस्तुएं जो है वायु की उपस्थिति में गिराते हैं ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। क्लियर हो गया। तो ये था स्मॉल जी और कैपिटल जी, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दोनों में संबंध। दोनों में अंतर देख लेते हैं। यहां पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में अंतर, एक तरफ ले लेते हैं कैपिटल जी और दूसरे तरफ ले लेते हैं स्मॉल जी, दोनों में क्या अंतर है। तो चूंकि दोनों के परिभाषा से हम देखते हैं, दोनों की परिभाषा अलग अलग है। यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्व के अधीन वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यदि हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा दें तो इसकी परिभाषा क्या है कि ये वाला सूत्र निकाला गया था F इक्वल टू जी। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है यदि इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित हो तो वह एक दूसरे पर क्या करेगी, आरोपित करेगी। तो इसी बल को हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा में यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर इसमें ये देखते हैं कि त्वरण का मान जो होती है वो कितना होता है, एसआई पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होती है। ठीक है। यहाँ पर यदि हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान देखें तो इसका मान कितना होता है, 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होती है। तो दोनों में ये अंतर हो गया। और इसमें अंतर लेके चलते हैं तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सभी जगहों पर एक बराबर होती है और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर हो गया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। तो इस तरीका से दोनों में अंतर भी बताया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये था आज का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में, जिसमें क्या क्या देखा गया, हमारे सौर परिवार क्या होती है इसके बारे में चर्चा की गई, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है ये यहाँ पर निकाला गया, गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नितांग दोनों में क्या संबंध होती है उसके लिए सूत्र निकाला गया। क्लियर हो गया। और दोनों में अंतर स्थापित की गई। अगला पीरियड में इसके आगे का जो टॉपिक है वो अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।